अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग? होप या ऑल फाइन। और आज हम एक टॉपिक ला रहे, वो है स्ट्रेंज लास्ट मील्स, जो एक प्रिजनर को उसको खत्म करने से पहले रिक्वेस्ट उसकी पूरी की जाती है। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के स्पेशल, ये बाहर के इंडिया में क्यों नहीं होता बोले तो, क्योंकि कभी सूली पे चढ़ाते ही नहीं। निर्भया 7 साल से चला रहा, इसकी क्या बात है। तो एक तरीके से अगर बोला गया तो, जब प्रिजनर की मतलब स्लीप चढ़ाने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश खाने की होती, तो प्रिजनर अपने हिसाब से कुछ भी मंगा सकता खाने। बराबर। तो क्या क्या मंगाता, और अजीब बाज लोगों के इतने अजीब रहे मील्स ऑर्डर करने के कि आप लोगों को देख के भयरान बौरान परेशान हो जाना। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक जरूर देखो। नाउ वी विल स्टार्ट विद द, नहीं टाइम हो गया भाई, स्टार्ट विद द वीडियो। गाइज, ये बेहतरीन वीडियो आके लेके जाने से पहले, थैंक्स टू अवर स्पॉन्सर अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके इन्वेस्टर रतन टाटा है, और यहाँ पे आपको फ्री में डीमार्ट अकाउंट ओपन होता है। बाकी जगह अगर आप डीमार्ट अकाउंट ओपन करें तो आपको 550 रुपीज तक चार्ज करते। डीमार्ट अकाउंट के लिए आपको बेसिक डिटेल्स भरना है। आप एक चीज याद रखिए कि पैन कार्ड इसके लिए बहुत जरूरी है, और एक चीज याद रखिए कि आपको रेफरल कोड यूज करना है नीचे अपस्टॉक्स का, जो हमने मेंशन किया है। अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपन करने पे आपको ₹300 का फ्री में फ्लिपकार्ट वाउचर मिलेगा। अगर आप अपने स्टार्ट में फर्स्ट 7 डेज में ट्रेडिंग करें तो आपको एक्स्ट्रा और ₹200 का फ्लिपकार्ट वाउचर इसके साथ मिलेगा, और विद इन 30 डेज आपका फ्लिपकार्ट वाउचर आपके ओन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाएगा। यू कैन यूज दिस ऐप इन हिंदी एंड इंग्लिश। इसके अलावा आपको ₹28,000 तक के फ्री सर्विसेज मिल रहे हैं, जैसे एडवाइजरी सर्विसेज और बहुत कुछ। Guys, please make sure to register Upstox. Link is in the description. पहला हम शुरू करते हैं केस लॉरेंस रसल का। ये है 2011 में इसको मौत की सजा दी गई थी। तो भाई साहब की लिस्ट सुन के आप दंग हो जाते हैं कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा, क्या इतना बड़ा भाई, क्या रेस्टोरेंट में मेन्यू है, वो भी कम पड़ना, अपन भी इतना ऑर्डर नहीं करते। अपना हैदराबादी अगर प्रिजनर रहता तो अपना वेटर कैसा देता था? मिर्ची का सालन, पत्थर का गोश्त, तलावा कुछ दाल खाना, बगारा खाना, पाया नारी, हलीम हरी, स्प्रिंग का सालन, बगारे बगार, शामी कबाब, बोटी कबाब, खिचड़ी खट्टा। अब लॉरेंस क्या क्या ऑर्डर करा ये आपको बोलते हैं हम लोग। 2 फ्राइड चिकन स्टिक्स, उसके ऊपर ग्रेवी भी होना कहते हैं उनके, और प्याज होना बोले उन्होंने। बहुत महंगी है ना। हाँ, आज के जमाने में उसको प्याज सुनते कि वैसे मार देते थे अगर उन इंडिया में रहता तो। उसके ऊपर होना था 3 चीज बर्गर्स, 3 बोरिटोज, वो सैंडविच के ऐसे रहता, 1 मीट पिज्जा लार्ज साइज, और बारबेक्यू का मीट होना था उसको, जो सॉलिड टिक्का रहता देखो बारबेक्यू का, ब्रेड का 1 पीस, पीनट बटर का 1 फज, आइसक्रीम 1 छोटा सा बार, 3 उनको बियर होना था। तो सिर्फ इतनी सी फरमाइश करे उन्होंने, तो भी वहाँ के जज क्या करा कि ओके बोल के प्रोसीड करा। क्यों बोले तो आदमी की मौत है ही कैसे भी चंद घंटों में। तो जैसा पूरा लाके ऐसा ट्रे में उनको लाके दिए, सरकार खाइए आप, बोले बोलते कि उन्हें बोला मेरे को भूख नहीं है, पूरा फेंक दो बोला मैं। हाँ राइट बोला मैं। तो वहीं पर जज की आखिरी फिर गई, जज बोला आज के बाद किसी भी ऐसे लास्ट मिल के ऑर्डर्स नहीं लेने, बेकारी का टाइम वेस्ट करना। मगर वो मतलब जज बोला फिर भी उसके बाद कंटिन्यू रखे, मतलब अरे ये एक प्रिजनर की वजह से दूसरों का क्यों हक छीने जाना, बोले कैसी तब जाती क्यों, मतलब जाते जाते भी उन्होंने ट्रोलिंग करे देखो। मगर लोग बोलेंगे अब भाई क्या भाई, ऐसा जो मुजरिम लोग थे उनको सजा दे रहे हैं और आप लोग यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं आप लोग उनके खाने के साथ। सही बात है भाई, आप मुजरिम का साथ दे रहे हैं उन्हें जो गलत करा, बोले तो वाह है आप। तो अगला प्रिजनर जो है जिसकी खाने की ख्वाहिश थी वो है रिकी रॉय रेक्टर। शख्स को इन्होंने मारे 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 मार के मारी डाले मारी डाले, तो इनको भी सजा है मौत की। तो भाई साहब की फरमाइश क्या है मालूम, एक स्टीक वाह फ्राइड चिकन, बराबर फ्राइड चिकन मांगते हैं ना, मैं फ्राइड चिकन बोल रहा हूँ, रेसिस्ट नहीं है मगर कूलेड, अब बोलो कूलेड रेसिस्ट है नहीं, आई रे फ्राइड चिकन कूलेड बोले तो अब समझ जाना कौन है अपने कल्ले भाई बराबर ये आयश। और पाई डेजर्ट। अब जब रिकी रॉय रेक्टर को ये फरमाइश लाके पूरी करे तो भाई साहब क्या करे, इन्हों भी बोले क्या नहीं खाता मैं वापस, क्या नहीं नहीं नहीं, अरे इन्हों कूलेड और फ्राइड चिकन मंगाने वाला ढकल देता कभी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तो भाई साहब क्या करे, भाई साहब मंगाए अच्छा अच्छा शरीफ तरीके से खाए पिए सब हो गया, उसके बाद वो डेजर्ट पाई वैसी रख दी मीठा जो है, हाँ मीठा जो है। जब पुलिस वाले आके पूछे कि आप ये कैसे क्यों बाकी रख दिए, पूरा इतना खाए ये लास्ट भी क्यों, ये छोड़ा मैं बाद में आके खाता हूँ बोला। उसकी अगले दिन ही अगले दिन हाँ। चंद घंटों में उसको वो था शायद, नहीं मैं नहीं मालूम, इन लोगों वो ज़ॉम्बी मूवीज देख के मैं लिविंग डेड में ऐसा निकल के बाहर आके खाऊंगा बोल के वैसा कुछ थे इसके थॉट्स। फिर आया पट्टा नहीं है अभी तक, तो आने में ही छे पट्टा। अब आता अगला जिसका नाम है थॉमस ग्रेसो। 1995 में इनको
वाला टाइम मांग, इसकी जो फरमाइश थी वो भी सॉलिड थी, लेकिन एक चीज ही ने अजीब हरकत करा एंड में, जिसकी वजह से इसको थोड़ा दीवाना भी बोलते और थोड़ा अजीब हो गया था बोल के बोलते। भाई साहब बोले दो डजन क्लैम्स स्टीम करे हुए, मतलब सी फूड होना इनको भाई साहब को जाने से पहले, आधा डजन बारबेक्यू रिब्स, डबल चीज बर्गर, वो भी सिर्फ बर्गर किंग से लाना कहते, दो स्ट्रॉबेरी के मिल्क शेक, और खास तौर से इन्हें बोला था एक कैन ऑफ स्पेगेटी ओज, ये अलग किस्म का एक रहता स्पेगेटी, और वो भी रूम टेम्परेचर पे देना। पूरा लिस्ट लेके आए, लेकिन स्पेगेटी ओ जो स्पेशल था उसकी जगह स्पेगेटी एंड मीटबॉल्स दे दिए। अरे इसकी तो इन्हें पूरा खाना वैसे ही फेंक दिया, फेंक के पुकाना शुरू करा के मैं बोला था स्पेगेटी ओ खाना है, स्पेगेटी मीटबॉल्स नहीं होना मेरे को, और बोला अभी इसी वक्त न्यूज वालों को बुलाओ मेरे को कंप्लेंट करना है। तो फिर तो क्या करी पुलिस, क्या करी पुलिस, पूरा खाना वैसे करे राइड बोल के उसको लेके चले। तो अगला प्रिजनर है पीटर जे मिनियल, ये एक साइको आदमी था और इनके बहुत मतलब इनके शीट नहीं खतल गारत करे थे। हाँ, तो इनकी फरमाइश पूरे प्रिजनर्स को बीट कर दी समझो आज तक। ये 2004 में भाई साहब क्या मंगाए थे, 20 बीफ के टाकोस, भाई 20 बोले तुम जी, 20 बीफ के रैप्स, भाई ये भी 20 है जी, दो डबल चीज बर्गर, हाँ? एक लार्ज पिज्जा है, फ्राइड चिकन है, स्पेगेटी विद सॉस, हाफ चॉकलेट केक, हाफ वनीला केक, कुकीज एंड क्रीम आइसक्रीम, उसके ऊपर कैरामेल अलग, स्मॉल फ्रूट केक, और क्या वली में कोई दावत दे रहा है क्या कर रहा है। तो हो गया लिस्ट भाई साहब, अभी मैं खाली खाने की बात कर रहा, भाई साहब पिंगे क्या, प्याज नहीं लगती यार हो। तो पीने में भाई साहब की क्या फरमाइश है मालूम, दो कोक है? दो पेप्सी है? दो ऑरेंज जूस और दो बेहतरीन रेगुलर बियर। छोटी मामूली एक गली में दावत दे ले सकते। ये जो अभी जो लिस्ट सुना है ना उसको बीट करने वाला और एक आदमी था, हाँ? आपने पढ़ा विक्टर हैरी फ्यूगर 1963 में इनका टाइम आ गया था, और इनकी फरमाइश क्या थी मालूम, दो या तीन बार ये वापस रिवाइंड करके सुनना पड़ता वीडियो, इतनी बड़ी फरमाइश कराते हैं। अरे बाप रे, वीडियो लोग बंद कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, अब तेज में फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड में करता हूँ, आप लोग स्लो स्पीड पर सुनना। क्या क्या मंगा मांगी ना, एक जैतून बोला, एक जैतून, वन ऑलिव, वन ऑलिव विद सीड, विद सीड, सीड के साथ गुटली के साथ एक जैतून बोला। तो बाद में देखे तो जब उनके यहाँ जिम में वो गुटली को रख लिए थे, खा लिए, सीट को अंदर रख लिए, सीट को रख लिए। तो बाद में प्रिजन वार्डन्स जो साथ के प्रिजनर्स थे करे थे, उन्होंने ये बोले थे कि उन्हें एक बार फरमाइश करा था कि जब मेरे को मार के गाड़ देंगे तो मेरे अंदर से एक झाड़ उठना जैतून का और शेड देना अतरफ। अपने इंडिया में आ गया था, पॉलिटिशियन बन गया था, खत्म, पक्का सीट थी इसको। तो अगले हमारे मुजरिम जैक्स पिंकलिंक की खाने की क्या फरमाइश थी, इनकी फरमाइश थी जैक डैनियल के बाटला। Yes, it is thara, you know, for bearded look, packet look. अरे पूरे बड़े खुश हो रहोंगे देख के। एक बहुत बेहतरीन मस्खरा वीडियो बनाया था हमने पूरे बियर्डेड पैकेट लोगों पे। अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर देखो भाई, बेहतरीन वीडियो पूरे पैकेटों पे बनाया था हम लोग बियर्डेड लोगों पे। अगर कोई बियर्डेड वीडियो देख रहे हो बोल रहे होंगे सूली चढ़ाने से पहले जैक डैनियल हार के भी सूली बोल रहे। तो भाई साहब क्या करें मालूम, इनकी जब सजा सुनाई गई तो जब इनका दिन खरीब आ गया तो भाई साहब जैक डैनियल्स का फुल बॉटल मंगा के खुद भी पिए और वहाँ के प्रिजनर ऑफिसर्स को भी बांटे डाट के, ये पार्टी ऑल नाइट चल रहा था समझो मसला, फुल जैक डैनियल नाइट थी जब। तो जब जज को दूसरे दिन मालूम आता तो बर्खास्त बिरयानी बोला उन्हें, उन्हें बोला तुम लोग ये अय्याशी कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के तुम लोग की जजमेंट ना सुनूंगा, मेरी पाकड़ी की बॉटल किधर गई वाला। मजाक कर रहा हूँ, हमारे पे सजा को करो यूट्यूब प्लीज भैया। मुजरिमों की बात आई और खाली आदमियां करते रहेंगे, अपने औरतें भी कुछ कम है। अरे फिर हमारे छोरियां छोकरों से कम है, छोकरों से कम है, बड़े उम्र के खाला थे। 1982 में इनका टाइम जजमेंट दे दिया गया था कि इनको इनको भी मौत की सजा हो गई। और जैसा मालूम है ना कोई बड़ा ऐसा हादसा हो रहा दावत हो रही तो औरतें हाथ रोक के खा के बताते। देखो तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी छुआ, इनको पूछे क्या होना आपको, आपकी लास्ट मील में क्या होना बोले तो एक पैकेट चीज बॉल्स और एक कोक बोले, वहां पे भी डाइटिंग चल रहा मसला। तो ग्रानी की ख्वाहिश पूरी कर दी और सीधा पहले ऊपर चढ़ा दिया पुलिस वाले। अगले मुजरिम है रॉनी ली। तो भाई साहब की पहले खाने की फरमाइश बोल देता हूं मैं, स्टीक होना, लॉबस्टर होना, एप्पल पाई और सेवन अप। सिंपल है, नहीं नहीं इसके साथ क्या और फरमाइश थी बोले तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ट्रायलॉजी जो है ना, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी तीनों पार्ट्स वो देखते हुए इनको खाना खाना। जो प्रिजनर ऑफिसर्स थे उन लोग पूरा खाना दिए, मूवी देख
मूवी का क्रेडिट शुरू हुआ और इनकी भी वैसी मूवी एंड हो गई, इनो भी क्रेडिट हो गए। हाँ। और आखिरी हम लोग लास्ट मील रिक्वेस्ट पे आते हैं और ये सबसे अजीब है लिस्ट में, ये है जेम्स एडवर्ड स्मिथ। 1990 में ये आदमी को मौत की सजा दे दी गई थी और इसकी ख्वाहिश क्या थी मालूम? मिट्टी ले गया बोला क्या मिट्टी, अरे अपने बचपने में छोटे बच्चे बच्चियां खाते थे, उसकी ख्वाहिश थोड़ा अजीब दिखी इन लोगों को, तो उन्हें बोला नहीं मेरे को ये मिट्टी है स्पेशल टाइप की एक मिट्टी लाना और ये छोना मेरे को लास्ट में। बाद में मालूम हुआ कि वो मिट्टी जो स्पेशल टाइप की है उससे काला जादू बहुत करते। आइडिया ये था कि इन्हों वो मिट्टी रख के कुछ वुडो वुडो ब्लैक मैजिक करके वहाँ ऐसा चले जाएंगे बोल के। ब्लैक मैजिक काम हुई? मिट्टी तो नहीं दिए लेकिन गर्दन पे भरी बराबर दिए उसको, देखे एक योगर्ट का एक डब्बा दिए, खाले खामोश बोले उसके बाद थैंक यू। प्रिजनर के ऑफिसर ने मैजिक कर दिया बोला, उन्होंने बोले हम एक मैजिक बताते तुम्हारे को, नाउ यू आर देयर नाउ यू आर गॉन बोले। कहीं आप लोग बोल रहे ये क्या है, आखिरी फरमाइश पे भी आप लोग हंस रहे, उनके जो कान जो करे थे वो लोग तो लुढ़काए थे, मासूम लोगों को जो मरवाए थे वो आप नहीं देखे तो आपको भी अच्छा नहीं दिखे। जब तो खुद के अपने मेंबर्स के साथ होना था, जब आप भी बोलते हैं मारो टुकड़े करो मारो, ये खिलारे कहीं को खाना बोलते खिलारे भी कहीं को। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल लास्ट मील रिक्वेस्ट, बस थे वलीमे की दावत की तरह एक सॉलिड एक मेन्यू, बस थे बस एक गुटली उन जेब में डाल लेके एक जब उनका लेके और मोहतरमाओं के डाइट कोक के लिए फरमाइश, डाइट कोक की फरमाइश। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, नीचे सब्सक्राइब करो यारो, ज्यादा से ज्यादा अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करो वीडियो को, एक लाइक छोड़ो और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करो आप क्या सोचते इसके बारे में और हम लोग क्या टॉपिक्स पे वीडियो बनाना वो भी नीचे कमेंट करो। लोग बोलेंगे भाई एकदम सीरियस देना, ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हो गए पिछले 2-3 हफ्ते से, तो हम लोग थोड़ा एक लाइट हार्टेड वीडियो सोचे बनाना। गाइज अपस्टॉक्स में रजिस्टर करें और फ्री में पाए फ्लिपकार्ट वाउचर और अपना डीमार्ट अकाउंट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड वी बी बैक सून अगेन, जब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।